दिल्ली में मौसम का पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है, जिसकी वजह से सर्द हवाओं ने दिल्ली वासियों को जकड़ लिया है। आलम यह है कि महज 3-4 दिन पहले तक जो पारा सामान्य से अधिक दर्ज हो रहा था, वह अब न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो रहा है, जो कि पिछले 6 साल के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले 2-3 दिनों की अगर बात करें तो लगातार न्यूनतम पारा 6 से 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो रहा है। आपको बताएं कि दिसंबर महीने में ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। पूर्वानुमान है कि अगले 15 दिन दिल्ली में और अधिक कड़ाकेदार ठंड पड़ने के आसार हैं, जो कि पिछले 5-6 सालों में दिसंबर महीने में पड़ने वाली ठंड के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। पिछले 2-3 दिनों की अगर बात करें तो लगातार दिल्ली का पारा 6.4 डिग्री से 6.6 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, लेकिन मंगलवार को आंशिक तौर पर थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं, क्योंकि पूर्वानुमान है कि मंगलवार को बादल छाए नहीं रहेंगे और धूप निकलेगी, जिसकी वजह से थोड़ी जो सर्दी है उसमें राहत मिल सकती है। इसके साथ ही साफ तौर पर मौसम विभाग ने चेताया है कि अगले 15 दिन जो रहेंगे उसमें तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस पर ही न्यूनतम रिकॉर्ड किया जाएगा। वहीं अधिकतर तापमान की अगर बात करें तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि दिसंबर महीने से फरवरी महीने तक दिल्ली में रिकॉर्डतन ठंड पड़ने के आसार हैं, जो कि पिछले 5-6 सालों में नहीं पड़ी। मतलब साफ है कि इस बार की सर्दी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और कड़ाकेदार ठंड का सामना दिल्ली की जनता को करना पड़ेगा, और दिल्ली की आबो हवा भी खराब रहने के आसार मौसम विभाग ने फिलहाल जताए हैं। कैमरा साथी आकाश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज इंडिया दिल्ली। हमारे सहयोगी लखबीर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो लखबीर, आप ग्राउंड जीरो पे हैं, कैसा है मौसम, धूप खिली कि नहीं अभी दिल्ली में? बिल्कुल रमन, दिल्ली की जो ठंड है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, पिछले 6 साल के रिकॉर्ड तोड़े हैं और कड़ाकेदार ठंड पड़ रही है। धूप की अगर बात करें तो मेरे कैमरा साथी आकाश आपको कैमरा पैन करके दिखाएंगे किस प्रकार से कोहरा छाया हुआ है, धुंध छाई हुई है और धूप अभी नहीं निकली है। आप देखेंगे किस प्रकार से विजय चौक पर मैं मौजूद हूं और राष्ट्रपति भवन भी आपको नजर नहीं आएगा, इस कदर धुंध पड़ रही है। और आज मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अंदेशा भी जताया है कि अगले जो 15 से 20 दिन होंगे उसमें दिल्ली में लगातार धुंध और कोहरे की मोटी चादर छाई रहेगी और विजिबिलिटी 0 के बराबर रहेगी। आप देखेंगे किस प्रकार से लगातार जो बादल हैं वो छाए हुए हैं, धुंध छाई हुई है, कोहरा छाया हुआ है। कैमरा साथी आकाश को कहूंगा कि वो दिखाएं किस प्रकार से जो इंडिया गेट है उसकी तरफ क्या कुछ विजिबिलिटी के आसार हैं, क्योंकि हम विजय चौक से अगर इंडिया गेट को देखने की कोशिश करें तो इंडिया गेट नज़र नहीं आ रहा है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में जो विजिबिलिटी है, जो कोहरा है, उसके क्या कुछ आसार हैं और किस प्रकार से जो धुंध है उसकी मोटी चादर दिल्ली में फिलहाल छाई हुई है। और मौसम विभाग ने साफ तौर पर ये अंदेशा भी जताया है कि अगले जो 15 से 20 दिन होंगे उसमें दिल्ली में रिकॉर्डतन ठंड बढ़ने के आसार हैं और कड़ाकेदार ठंड पड़ेगी, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों को काफ़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति सुबह के समय ट्रैवल करा करते हैं, जो व्यक्ति दफ्तर जाते हैं, उनके लिए ठंड बड़ी चुनौती बनकर उभरने वाली है। लखबीर, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो लोग सड़कों पर रह रहे हैं उनके लिए प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं, रैन बसेरों की कैसी स्थिति है, प्रशासन की ओर से इस बढ़ती ठंड को देखते हुए कैसे इंतजाम हैं? लखफीर से संपर्क नहीं हो पा रहा है और तस्वीरें आपको दिखाई हमने कि किस तरह से पूरा राष्ट्रपति भवन भी धुंध की चादर में खो गया है, इंडिया गेट तक नजर नहीं आ रहा है। और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां धुंध सुबह से छाई हुई है, जो तापमान है वो 6 डिग्री डाउन हो चुका है, 6 डिग्री लुढ़क चुका है। और बताया जा रहा है कि 6 साल के बाद इतना सर्द दिन ये आया है और लगातार आने वाले वक्त में भी सर्दी बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। तो तमाम ये तस्वीरें हैं ये यहाँ पर दिल्ली से नजर आ रही हैं।
हमारे सहयोगी लखवीर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखवीर, अगर बात कर ली जाए इस सर्द मौसम की, तो प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं उन लोगों के लिए जो सड़कों पर जीवन बिताने को मजबूर हैं? रैन बसेरों में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जो लोग अमूमन फुटपाथ पर या फिर सड़कों पर अपना जीवन बसर करते हैं, रात गुजारा करते हैं, उनके लिए आंशिक तौर पर तैयारियां शुरू कर ली गई हैं, रैन बसेरों के इंतजाम करने हैं, क्योंकि ये तमाम सरकारों की जिम्मेदारी हो जाती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या तमाम राज्यों की सरकार हो, क्योंकि जो व्यक्ति लगातार रैन बसेरों में रहते हैं हर सर्दियों में, उनके लिए आंशिक तैयारियाँ शुरू की जाए। और कई सामाजिक संगठन जो हैं चारुल, वो भी इस कदर लगातार हर साल तैयारियाँ करते हैं, क्योंकि जो लोग लगातार रात सड़कों पर गुजारते हैं उनको कंबल वितरण करना, उनके लिए एक रैन बसेरे की व्यवस्था करना ये जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि जिस कदर दिल्ली में ठंड पड़ा करती है वो वाकई में उन लोगों के लिए काफ़ी चुनौतियों भरी होती है जो कि सड़कों पर अपना जो रात है वो गुजारते हैं। हालांकि जिस प्रकार से दिसंबर के जो शुरुआती 15 दिन है उसमें अभी तक जो ठंड पड़ी है वो वाकई में काफ़ी कुछ सोचने को मजबूर करती है, क्योंकि कई रिकॉर्ड टूटे हैं, पिछले 6 सालों के रिकॉर्ड टूटे हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों की अगर बात करें तो दिल्ली में जो तापमान था वो सामान्य से अधिक बना हुआ था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में जिस प्रकार से तापमान लुढ़का है, पारा जो लुढ़का है वो वाकई में ठंड बढ़ाने वाला है, और जिस प्रकार से जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें शीतलहर चल रही है उसका साफ तौर पर असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, और आगामी जो 15 से 20 दिन है उसमें ठंड और बढ़ेगी, और फरवरी महीने तक कड़ाकेदार ठंड पड़ने के आसार मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने देखिए पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और उसकी तस्वीरें हम लगातार देख भी रहे हैं। अब सड़क किनारे लोगों ने अलाव जलाना भी शुरू कर दिया है, ऐसे में ठंड भले ही बढ़ रही है, पारा गिर रहा है, लेकिन दिल्ली हो या फिर अन्य इलाके हो, रफ्तार पर जरूर असर पड़ रहा है, वाहनों की भी और अन्य लोगों की भी।